में रात्रि विश्राम करेंगे और वहां से स्वदेश के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी तीन देशों की यात्रा में फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का दौरा किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने तीनों देशों के साथ संबंध मजबूत करने के साथ ही रक्षा, व्यापार और निवेश को बढ़ाने वाले समझौते किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कनाडा दौरे को सफल बताया है। आज प्रधानमंत्री की तीन देशों की यात्रा संपन्न हो गई। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने संदेश में कहा कि कनाडा दौरे से काफी संतुष्ट होकर स्वदेश लौट रहा हूं। यह दौरा भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करेगा। कनाडा के लोगों का धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा संपन्न कर कनाडा से स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। कनाडा दौरे में प्रधानमंत्री ने भारत कनाडा संबंधों में नई ऊर्जा लाने की कोशिशों के तहत वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ उद्योग जगत के साथ भी वार्ता की। यूरेनियम आपूर्ति पर समझौता काफी अहम है, साथ ही शिक्षा, कौशल विकास पर भी कई समझौते हुए। नागरिक उड्डयन, रेल परिवहन, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी करार हुए। प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के बारे में हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त विष्णु प्रकाश के साथ खास बातचीत की। कनाडा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आखिर किस तरीके से रहा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर विष्णु प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत हैट्रिक शेड्यूल कहा जाए, बहुत टाइट शेड्यूल रहा प्रधानमंत्री का, लेकिन बहुत चीज़ें निकल के आई हैं, बहुत समझौते हुए। आप किस तरीके से देखते हैं इन तमाम समझौतों को और भारत के लिहाज से ये कैसे फ़ायदेमंद साबित होने जा रहे हैं आने वाले समय में? हर दृष्टिकोण से ये विजिट बहुत सफल हुई है और जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मेरी यात्रा समाप्त हो रही है पर एक पार्टनरशिप का प्रारंभ हो रहा है। और सर, जो मेन मुख्य तौर पर जो समझौते हुए खासतौर से यूरेनियम एग्रीमेंट को लेकर, सप्लाई को लेकर, उसको आप सर किस तरह से देखते हैं कि ये दोनों कंट्री को कैसे बेनिफिट करने जा रहा है? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हमको ऊर्जा की आवश्यकता है, हमको साफ ऊर्जा की, स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है। तो अगर भारत की ऊर्जा की समस्या सुलझेगी तो दुनिया को लाभ होगा। भारत को तो होगा ही होगा पर दुनिया को लाभ होगा। सर, वीज़ा जो पॉलिसी है वो भी थोड़ा सा लिबरल हुई है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आई, लोगों को फ़ायदा अपना नज़र आता दिख रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये दोनों देशों में संबंधों को कैसे आगे बढ़ाएं? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारे देश, दोनों देशों का जो फाउंडेशन है रिश्ते का, वो पीपल टू पीपल रिलेशंस। प्रधानमंत्री किसी भी विदेश दौरे में, खासतौर से या देश में भी, एक पर्सनल टच देने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे भी देखा, वो तमाम लोगों के पास गए, लोगों से मिले, लोगों तक पहुँच जाना और उनके बीच में अपने आप को बड़ा कंफर्ट फील कराना, ये जो उनकी एक पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, इसको आप एक कूटनीतिक के तरीके से किस तरीके से देखते हैं, लोगों से जुड़ाव का महसूस करने का? ये उनका, ये जो पर्सनालिटी है इसका जो प्रभाव पड़ता है वो देखने के काबिल है। सब ये बात कर रहे हैं मोदी मैजिक, कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस अपनी छवि, अपनी छाप इस मुल्क पे और इन यहाँ मुल्क के लोगों पे छोड़ी है। बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि विष्णु प्रकाश जी का ये कहना है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री ने अपनी छवि और छाप बेहतर तरीके से यहाँ छोड़ी है, बल्कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध है उनको भी नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। अपने सहयोगी प्रवीण मेहरा और कैमरामैन उदयराम के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, वैंकूवर, कनाडा, डीडी न्यूज़।